हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जेईई मेन 2023 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस. अब जब हम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, सिर्फ उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के एस्पेक्ट से नहीं करना है, आपको देखना है कि हाँ इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए ये स्टाइल ऑफ वर्किंग विल बी सुइटेबल. ठीक है, उन सब चीज़ों को पकड़ के रखना है. अब अल्फा पावर 14, बीटा पावर 14, बहुत क्लियर है कि हमें 14 पावर का इस तरह से अलजेब्रिक इवैल्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, राइट? तो इन केसेस में अगर कुछ और भी इसके साथ होता तो हम न्यूटन्स फॉर्मूला के एस्पेक्ट से सोचे होते. अभी हम इसके लिए न्यूटन्स फॉर्मूला को भी यूज करने के डायरेक्शन से बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. नाउ व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू डू, इमीडिएटली इसके रूट्स निकाल लो, उन्हें यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जरूर नॉन रियल रूट्स ही आ रहे होंगे. और अगर रियल रूट्स है तो बहुत सिंपल से नंबर्स होंगे, इन्हें पुट करते हो आप इसे इवेल्युएट कर सकते हो. ठीक है, पहले इसके रूट्स देखते हैं क्या है. दे आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 2 माइनस 8 विच इज माइनस 6 का स्क्वेयर रूट, दैट इज रूट 6i अपॉन 2a. ठीक है, रूट 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि जब कभी भी नॉन रियल रूट्स आते हैं ना, हमारा अप्रोच ये रहता है कि या तो वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो 1 ± i, इस तरह से कुछ हो जाए जिसमें हम उसे एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिख पाए. ठीक है, ताकि वैल्यू इवैल्यूएशन गेट सिंपलर. तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन अगर हम लेते हैं तो 1 ± √3i/2. अब −1 ± √3i/2 है तो हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं. लेकिन अगर हम इन दोनों का नेगेटिव लेते हैं, आप देखो क्या जनरेट हो रहा है, ये आएगा. तो आप इस चीज को भी याद रख लें, दे आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. फाइन, तो यहाँ पे जो रूट्स क्रिएट हुए हैं, दे आर रूट 2 टाइम्स ऑफ माइनस ओमेगा एंड रूट 2 टाइम्स ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर. फाइन, नाउ लेट्स गेट इन टू दिस कैलकुलेशन. इनमें से किसी एक को आप अल्फा और दूसरे को बीटा की तरह ट्रीट कर लें, और माइनस रूट 2 पावर 14, माइनस रूट 2 पावर 14 दोनों के पास है, अगर हम उसे कॉमन ले लेते हैं, दैट बिकम्स 2 पावर 7, और जो रह जाएगा वो है ओमेगा पावर 14 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 14. अब आप चाहो तो इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करते हुए आंसर कर सकते हो, या तो आप क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी आंसर कर सकते हो. हमने पढ़ा है ना 1 पावर r, ओमेगा पावर r, ओमेगा स्क्वायर पावर r, ये होता है 0 अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है, और अगर r 3 का मल्टीपल है तो तीनों 1 बन जाते हैं, इन दैट केस दैट बिकम्स 3. यही होता है प्रॉपर्टी. अब यहाँ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों का पावर है 14, और 14 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 + ω/r, क्योंकि 1 पावर r तो 1 ही रहता है, तो ये वैल्यू आता है −1. सो कैन वी जस्ट पुट इट डायरेक्टली एंड से −2 पावर 7 लाइक दिस, और आप ओमेगा पावर 14 इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा, डायरेक्ट इवैल्यूएशन वैसे भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है. ठीक है, अब आंसर देख लें. फाइन, नेक्स्ट बेटा, इट सेज अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा पावर 23 प्लस बीटा पावर 23. यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा के पावर है 14 है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें ना 9 है, और यहाँ पे भी सेम पार्टनर है, डिफरेंस 5 है, तो कुछ भी सिमेट्रिकल सा नजर नहीं आ रहा है. तो इस केस में भी हम न्यूटन्स फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहेंगे, रादर वी शुड इमीडिएटली सॉल्व फॉर इस रूट्स एंड चेक. ठीक, तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 6, माइनस 12 का स्क्वेयर रूट, दैट इज माइनस 6 का स्क्वेयर रूट, सो रूट 6 आयोटा बाई 2. और अगर हम यहाँ से माइनस रूट 6 को कॉमन ले लेते हैं, वी आर लेफ्ट विथ, फाइन, और आप चाहो तो रूट 6 के पास रूट 2 एंड रूट 3 है ना, तो आप एक रूट 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ पे ओनली रूट 3 प्रेजेंस यू कैन मेंशन. ठीक है, ये है रूट 3, डन. क्या अब हम इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही तो है, और जब कभी भी कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, नॉन रियल रूट्स विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, राइट? और मॉडुलस वैल्यू है 1, इस पे आ जाएं. ठीक है, सो −√3 आज ऑटर्स, मॉड है 1, एंड आर्ग्यूमेंट π/4 है, तो दूसरे का आर्ग्यूमेंट −π/4 होगा. ठीक है, कॉन्जुगेट है ना, द आर्ग्यूमेंट्स दे डिफर बाई ए साइन, मॉडुलस वैल्यू रिमेंस द सेम. फाइन है, अब इन दोनों में से एक को हम अल्फा कंसिडर करेंगे और दूसरे को बीटा. ठीक, एक एक को इवैल्यूएट कर लें.
ज़्यादा कोई सिचुएशन को क्लमजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे इवैल्यूएट करते हैं, और उसके लिए भी आपको अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। सिंस अल्फा एंड बीटा कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड होता है, व्हाट वी गेट इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, एंड टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, दैट्स इट, राइट। तो किसी एक को ले लेते हैं, प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी एक को आप अल्फा ले लें, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ माइनस रूट थ्री पावर 23, जिसे हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन ई पावर आई 23 पाई बाय 4, इसका हमें रियल पार्ट चाहिए, दैट्स इट। इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, ई पावर आई थीटा, हमें बस कॉस थीटा ही लेना है वहां से, ठीक है। उससे पहले हम इस एंगल को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 23 पाई बाय 4, बच्चा इज इट 6 पाई माइनस पाई बाय 4, यस, एंड 6 पाई पोजीशन इज सेम आज 0 पोजीशन ट्रिग्नोमेट्रिक डीलिंग में, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि e पावर i 6 पाई माइनस पाई बाय 4 है, जो कि e पावर i 6 पाई इंटू ई पावर माइनस आई पाई बाय 4 है, फाइन बेटा। और ये तो 1 होता है, e पावर i 0 के बराबर ही बन जाता है, इवन टाइम्स पाई है ना आर्ग्यूमेंट, दैट इज सेम आज 0 आर्ग्यूमेंट, फाइन। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाता है e पावर माइनस आई पाई बाई 4, दैट्स इट। और हमें चाहिए कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 विल बी 1/√2, है ना। तो अब हम इसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ माइनस रूट 3 पावर 23 एज इट इज, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, एंड दैट इज 1/√2, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहे आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जो वैल्यू आया है, दैट इज माइनस 123 टाइम्स ऑड टाइम्स है, एंड रूट 3 23 टाइम्स, डन। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो है पावर आज 14। पावर 14 के लिए माइनस रूट 3 पावर 14, दैट विल बी रूट 3 पावर 14, आप 3 पावर 7 भी लिख सकते हैं, एंड देन ई पावर आई पाई बाई 4 का पावर 14, जिसे हम 7 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, फाइन। अब अगर आर्ग्यूमेंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है, इज दैट प्योरली इमेजिनरी नंबर, यस। 7 पाई बाई 2 मतलब 7 टाइम्स 90 डिग्री, वर्टिकली डाउनवर्ड पोजिशन होता है, राइट right? तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज सेम आज 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 पाई पोजिशन है 0 पोजिशन, सो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू है माइनस आयोटा, एंड इसमें जो रियल पार्ट है दैट इज 0, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट तो 0 ही हुआ ना, राइट right? तो यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएं इस पार्ट पे, पावर आज 15, इसका पावर अगर हम 15 लेते हैं, सो माइनस रूट 3 ई पावर आई पाई बाई 4 का पावर 15, इधर हो गया पावर 15, बस इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इट हमें लिखना है, ठीक। इस एंगल पे आप आ जाएं, इज दैट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, एंड 4 पाई पोजिशन है 0 पोजिशन, सो हमें ई पावर माइनस आई पाई बाई 4 में से कॉस थीटा लेना है, मतलब कॉस पाई बाई 4 लेना है, जो कि 1/√2 है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2 टाइम्स द रियल पार्ट, विच इज माइनस रूट 3 पावर 15 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 4, विच इज 1/√2, और इसे हम लिख सकते हैं आज माइनस रूट 2 रूट 3 पावर 15, डन। अब लास्ट पार्ट पे आ जाएं, और पर्टिकुलरली 10 के लिए आप देखें, माइनस रूट 3 पावर 10 ई पावर आई पाई बाई 4 होल पावर 10, दैट इज 5 पाई बाई 2, बच्चा ऑड टाइम्स पाई बाई 2 है, वंस अगेन ये तो एग्जैक्टली आयोटा ही है ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो ये आ गया आज 0। हम रियल पार्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दिस, क्लियर है ना। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस रूट 2 को कर दिया कैंसिल, रूट 2 पावर 23 माइनस 15, एंड दैट इज रूट 3 पावर 8, एंड दैट इज 3 पावर 4, एंड 3 पावर 4 इज 81, चेक कर लें, फाइन बेटा। नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ दिस, बेटा आप देख सकते हैं रूट्स का पावर लिया गया है काफी हाई पावर से, लेकिन 21, 19, 17 मतलब 2, 2 के गैप में है,
तो हम न्यूटन्स फॉर्मूला के एस्पेक्ट से सोचेंगे। और वैसे भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है और इस तरह का सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, आप इमीडिएटली उसके रूट्स देख लें। अगर नॉन रियल है तो यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ जाएं, और अगर रियल रूट्स है और सिंपल वैल्यू के साथ है जिनके ये पावर्स आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज न्यूटन्स फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब इस केस में न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं एस एन कंसिडर करूं टू बी ए पावर एन प्लस बी पावर एन, तो ये आएगा एस एन प्लस टू माइनस सेवन एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू जीरो। ठीक, और हमें रिलेशन चाहिए एस 21, एस 17 एंड एस 19 में। ठीक, इनमें गैप 2 का है और इनमें जो एक्सपोनेंट्स है उनमें गैप 1 का है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ही होते हैं। तो आप इमीडिएटली एस 21 से बिगिन कर जाएं और इसी के हेल्प से इट विल बिकम फाइन। और इसमें से हमें एस 20 नहीं चाहिए, एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए एक और इक्वेशन होना चाहिए। तो 21 के पहले 20 है, कॉन्जिक्यूटिव ही लेना है। ठीक, सो दिस इज हियर। अब हमें एस 18 भी नहीं चाहिए, तो एक और इक्वेशन बनाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लेना है। ठीक है, 19 7 एस 18 एंड एस 17। अब क्विकली देख लो इनमें से हमें कौन कौन से टर्म्स है जो नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए मतलब ये एलिमिनेट होना चाहिए, और एस 20 का प्रेजेंस यहाँ पे है तो एलिमिनेट करने के लिए माइनस 7 है, तो इसके अब प्रेजेंस यहाँ पे 7 टाइम्स कर देते हैं ताकि जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और हम कर रहे हैं एडिशन, तो ये इसे हम कैंसिल ही कर देते हैं। अब हमें एस 18 भी नहीं चाहिए, यहाँ माइनस 7 टाइम्स है, यहाँ माइनस 7 टाइम्स है, तो हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर आप सब्ट्रैक्शन में सिंपल नहीं फिल करते हो तो कोई बात नहीं, आप इस पूरे को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ऐड कर दो, परफेक्ट है। अब देखते हैं क्या बचा। एस 21 बचा, एस 19 का प्रेजेंस पूरे में कितनी बार है? माइनस 1, माइनस 49, माइनस 1, माइनस 51 टाइम्स ऑफ एस 19, एंड एस 17 का प्रेजेंस पूरे में एक ही बार है, और हमें न्यूमरेटर में ये चाहिए, करेक्ट। सो एस 21 प्लस एस 17 इज 51 टाइम्स ऑफ एस 19। ठीक, अब दोनों तरफ आप एस 19 से डिवाइड कर दें, आंसर आ गया, सो वी गेट इट टू बी 51। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है? जहाँ वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, राइट? वाई का वैल्यू जीरो होना मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो होना। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने आपसे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए कहा है, राइट? सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर सच ए इक्वेशन। अब ई पावर 2x में ये इक्वेशन फ्रेम हुआ है, तो अगर मैं t कंसिडर कर लेती हूँ टू बी ई पावर 2x, क्या ये इक्वेशन t पावर 4 माइनस t क्यूब 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर एंड दिस इज t प्लस 1, ये है बच्चा इक्वेशन। और इस इक्वेशन को देखते ही आपको समझ आ रहा है इट इज रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना? हमने डिस्कस किया था ये सब, तो और इवन डिग्री का है तो हम टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? वी पेयर द इक्विडिस्टेंट टर्म्स एंड टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसे साथ में लिखेंगे टी प्लस 1 बाई टी एंड देन माइनस 3, परफेक्ट। अब t प्लस 1 बाई टी को हमने कंसिडर करना है टू बी u, ताकि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाए। सो अगर हम ये लेते हैं तो बच्चा u स्क्वायर विल बी t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2, तो हम इसे लिखेंगे u स्क्वायर माइनस 2 माइनस u माइनस 3, ठीक? तो u स्क्वायर माइनस u माइनस 5 इक्वल टू 0। और हमें चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x कितने होंगे, ठीक है? अब बिल्कुल स्मार्टली करना है, टाइम सेविंग अप्रोच से करना है, ठीक है? एक तरीका ये होता है जो नॉर्मली लोग करते हैं, u को यहाँ से सॉल्व करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग t लेते हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x को सॉल्व करके देखते हैं। हमें वो सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, t e पावर 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो t फॉर अस इज ग्रेटर देन 0। अब जब t ग्रेटर देन 0 होता है तो am gm से हमें पता है ये 2 टू इन्फिनिटी में आता है, तो u जो हमारे लिए यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या हमें एक्चुअली सोल्यूशन मिलने वाला है, वो कैसे पता लगेगा। अगर इस इक्वेशन के पास कोई रूट है जो इस टाइप का हो, मतलब इस इंटरवल में लाई करे, तभी तो x सॉल्वेबल होगा, अदरवाइज तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, वाई वेस्ट टाइम, ठीक? तो इस इंटरवल में इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है,
लोकेशन ऑफ रूट्स पे चले जाते हैं, सोल्यूशन निकाल के चेक क्यों करें, टाइम क्यों वेस्ट करें, वो कर सकते हैं, गलत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम डायरेक्टली लोकेशन ऑफ रूट से करेंगे, जिसे आप ओरली भी कर सकते हैं। देखें, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, रूट्स तो है, डिस्टिंक्ट रूट्स है। अब ये आप कोर्ड पैराबोला है, राइट, एंड इसका जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए पे है, मतलब हाफ पे है, परफेक्ट। और टू का लोकेशन आप चेक कर लो, टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना सा देखना है। टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू आ रहा है 4, माइनस 2, माइनस 5, नेगेटिव। इसका मतलब 2 का प्रेजेंस कहीं यहाँ पे है, क्लियर, इन बिटवीन द रूट्स, तभी तो नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। तो इसका एक सोल्यूशन 2 से इन्फिनिटी में है, एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी यू दैट यू सॉल्व, अगर यू का वैल्यू एग्जैक्टली 2 आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर t प्लस 1 बाई टी का वैल्यू, जैसे हमने u कंसीडर किया है, अगर वो एग्जैक्टली 2 आता है, तो t का एक ही सोल्यूशन होता है, दैट इज 1, रिमेंबर, ठीक है। t प्लस 1 बाई टी अगर 2 है, डायरेक्टली कहना है t इज 1, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप t से मल्टीप्लाई करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये आएगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली करना है। तो t का वैल्यू हमारे लिए आ जाता 1 अगर u 2 होता, लेकिन अगर u 2 के अलावा कोई और वैल्यू है इस इंटरवल का, मतलब 2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है, इन दैट केस हमारे लिए हमेशा 2 डिस्टिंक्ट t के वैल्यूज मिल पाएंगे, क्लियर। और हमारे पास जो रूट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो 2 से बड़ा ही है, तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ t मिलेंगे, क्लियर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी t हमें एक ही तो x मिलेगा, आप देखो 2x इज इक्वल टू ln t, x इज इक्वल टू हाफ ln t, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी t यू विल गेट 1x ओनली, राइट। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, u का एक सोल्यूशन है 2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, t के 2 सोल्यूशन है, कॉरेस्पॉन्डिंगली x के 2 सोल्यूशन, क्लियर बेटा। सो हियर आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट बेटा, लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा गामा है ना, तो ये रिलेशन गिवन है, और हमें कोएफिशिएंट्स का वैल्यू चाहिए और रूट्स भी चाहिए, तो क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स पे जाना होगा। तो बच्चा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि है 0, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, राइट। और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रहा है उसको आप रिप्लेस भी करते जाएं, सिंप्लीफाई भी करते जाएं। अल्फा का वैल्यू है -1, ये -1 हुआ, मतलब बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब आ जाएं 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बाय दिस इट इज बी, ठीक है। और इसमें से बीटा गामा का वैल्यू हमारे पास है, क्या है ये, 1 है, एंड अल्फा का वैल्यू है -1। तो बच्चा अगर हम अल्फा की जगह पे -1 पुट करते हैं ना, तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, so can we write it as this, and ये cancel होता है and b is coming out to be 0, perfect। अब आ जाते हैं product of roots पे, that is alpha beta gamma and that is minus c, और इसमें से हमारे पास beta gamma का value है that is 1, and इसका value है that is -1, that means c का value हमें मिल गया आज 1, ठीक। हमें b and c के values मिल चुके हैं, मतलब coefficients सारे पूरी तरह से known हैं, and roots में हमारे पास alpha का value है, beta and gamma अभी हमें find करना है, ठीक है। तो 2 unknown हैं और 2 equation है हमारे पास, beta plus gamma is 1, beta into gamma is 1। बच्चा जब भी इस तरह के equation आप देखो ना, आपको immediately कहना है ये जो 2 values involved है, they are minus omega and minus omega square, आप याद रख लें इस बात को, अभी तो हम सॉल्व करके ही करेंगे। 2 अननोन, 2 इक्वेशन है, अगर हम गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, वी गेट 1 बाई बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, सो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने पूरे इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे इधर शिफ्ट भी कर दिया, तो बच्चा बीटा के वैल्यूज आ रहे हैं आज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब जो भी वैल्यूज हमें मिले हैं उन्हें क्विकली रिप्लेस करते जाते हैं। बच्चा b का वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो वैनिश हो गया, c का वैल्यू हमारे पास आया है 1 तो ये है 2, अल्फा का वैल्यू हमारे पास है -1 तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब दैट इज -1, माइनस ऑफ -3 दैट इज +3, केयरफुली करना है साइन का बिल्कुल ध्यान रखते हुए। बीटा क्यूब है एंड बीटा अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो वी गेट माइनस ओमेगा का क्यूब, मतलब माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब होता है 1, 2 माइनस से हो जाएगा प्लस, सो दैट इज 6,
एंड ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 3, दो माइनस हो जाएंगे प्लस, सो इट इज 8. ठीक, सो दैट कम्स आउट टू बी बेटा 19. फाइन, हियर नेक्स्ट लेट m एंड n बी द नंबर्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर. मतलब हमें इन दोनों इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही काउंट करना है, दैट्स इट. तो बच्चा जब कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक के साथ या क्यूबिक के साथ इस तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का प्रेजेंस आ जाता है, द वे आउट इज वी राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हमें पता है ना इट इज सैंडविच्ड बिटवीन दिस टू. ठीक, अब अगर हम तीनों तरफ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐड कर दें, कैन वी से x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज लेस देन और इक्वल टू, हम ये चीज इधर भी ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 11x एंड प्लस 31, करेक्ट. एंड दूसरी तरफ आ जाएं, x माइनस 1 हम ऐड कर रहे हैं, सो x स्क्वायर एंड दैट इज माइनस 11x एंड बचे 30. परफेक्ट है, इसका वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है हमें 0 ही चाहिए, डन. अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो कॉमन वैल्यूज ऑफ x आएंगे वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई भी सोल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मिलेगा तो उसी इंटरवल में ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है, मतलब एवरीथिंग दैट इज एबव पॉसिबल. ठीक है, उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रेजेंस से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे हम उसको लेके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, राइट. और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से बाहर आने के लिए वी नीड टू नो 0 से 1 के बीच में है एक्स या 1 से 2 के बीच में है, तो क्या हम पूरे रियल नंबर के लिए कर पाएंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर इंटरवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सोल्यूशन किस इंटरवल में आ सकता है, फिर उस इंटरवल में हम उसे सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो अब देखें इस तरफ आ जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ओरली आंसर कर सकते हैं. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, ग्राफ बेंट अप है, अपवर्ड पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नो रियल रूट, कंप्लीटली अबव, राइट. हमें चाहिए व्हेन इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज, राइट. आप देख सकते हैं हमेशा ही पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 कभी नहीं बन रहा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज, सो दिस होल्ड्स टू ऑलवेज, मतलब आर. अब इस तरफ आ जाए, इसे हम इजिली फैक्टराइज ही कर लेते हैं, लाइक दिस, लेस देन 0 हमें चाहिए, बचा वेवी कर्व 5, 6 साइन चेंजेस. ठीक, सो एक्स वैल्यूज आर 5 to 6 और इसका इंटरसेक्शन से यही इंटरवल हमें मिल रहा है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इस इक्वेशन के पास अगर कोई सोल्यूशन है तो इसी इंटरवल का ही होगा. ठीक है, अब हम सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें इंटरवल मिल चुका है, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू 5 to 6. अब इन सभी एक्स के लिए ये वैल्यू बन जाता है आज 5, सो आई इक्वेशन इज लाइक दिस. ठीक बच्चा, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही है और इसका सोल्यूशन है 6, और 6 इस इंटरवल का पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड सोल्यूशन है ही नहीं. आप x की जगह 6 पुट करके देखो, ये सैटिस्फाइंग नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गया 0, इसका मतलब वैल्यू ऑफ m इज 0, तो ये 0 और ये 0, तो बस हमारा आंसर n स्क्वायर ही आएगा, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है. अब मॉड का प्रेजेंस है, मॉड को रिमूव करेंगे, सो x प्लस 2 मॉड, ब्रेकिंग पॉइंट है माइनस 2, तो अगर x का वैल्यू स्मॉलर देन माइनस 2 है तो ये माइनस ऑफ x प्लस 2 से पहचाना जाएगा एंड अदरवाइज x प्लस 2 होगा. तो दो केसेस में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. केस 1, अगर x का वैल्यू माइनस 2 से स्मॉलर है, इन दैट केस इट इज x स्क्वायर मॉड ऑफ x प्लस 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स प्लस साइन के साथ, डन. पूरी तरह से इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, डन. और इसके रूट्स को तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 मैंने डायरेक्टली लिख दिया. अब आप बताएं क्या इनमें कोई ऐसा वैल्यू है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हो, बिल्कुल है, कौन सा है, माइनस 3. तो एक सोल्यूशन हमें यहां से मिल गया. अब आ जाता है सेकेंड इंटरवल के पास, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है, अंडर दैट केस ये जो इक्वेशन होगा दैट विल बी x स्क्वायर माइनस दिस, एक साथ ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, सो दैट विल बी माइनस 10 माइनस 4 एंड दैट इज माइनस 14. ठीक है, अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल रूट्स आएंगे,
तो आप रूट्स निकाल के चेक कर सकते हो कि इस इंटरवल में लाई करते हो कितने रूट्स हैं, और बेटर है आप लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज कर लो। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स का लोकेशन 5 है, और हमें ये देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 कितने सोल्यूशन है, तो माइनस 2 का लोकेशन हम चेक कर लेते हैं। अगर माइनस 2 यहाँ पे है तो इन दैट केस दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आ रहे हैं, अगर माइनस 2 यहाँ पे है इन दैट केस ओनली वन सोल्यूशन विल बी देयर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो माइनस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू देखें, सिर्फ साइन देखें, ठीक है, सो इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस 2 का लोकेशन, फाइन, इस तरफ तो आ नहीं सकता ना, 5 से स्मॉलर ही होगा, डन। तो माइनस 2 इस तरफ है, इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट का फॉर्मेशन हो रहा है व्हिच आर ग्रेटर देन माइनस 2, तो दो सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिला है, तो ओवरऑल 3 सोल्यूशन आर देयर, सो आंसर इज 9, फाइन। नेक्स्ट, और आप यहाँ पे वैल्यू लेते हुए भी कर सकते थे, ठीक है, कंफर्टेबली कर सकते हो, जैसे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 को कर देते कैंसिल, 5 प्लस माइनस 2 को अगर हम कैंसिल करें तो ब्रैकेट के अंदर से हम 4 को कैंसिल करेंगे, ठीक है बेटा, सो दैट कम्स आउट टू बी रूट 39। रूट 39 को आप अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग ले लो, कुछ भी ले लो, लेट्स टेक 6.2, ठीक है, सो 5 प्लस 6.2 इसे सैटिस्फाई कर रहे हैं, 5 माइनस 6.2 भी इसे सैटिस्फाई कर रहे हैं, दो सोल्यूशन मिल गए, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, आंसर इज 9। नेक्स्ट बेटा, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, जब तक वो रिमूव नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे मॉड का प्रेजेंस है। अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें, ये है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, इसका मॉड है, तो अगर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मॉड इसी एक्सप्रेशन से पहचाना जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करके ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, बेबी कर्व 3, 5 साइन चेंजेस, राइट, तो ये होता है x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, तो इन x के लिए ये सिंप्लीफाई होके ये बनेगा, एंड फॉर द रिमेनिंग x, मतलब x बिलोंगिंग टू 3 टू 5 के लिए ये जो मॉड है ये सिंप्लीफाई होके नेगेटिव ऑफ इट, मतलब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 से पहचाना जाएगा, फाइन। अब हम इन दो केसेस में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो केस 1, अगर x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी के इंटरवल में है, देन अंडर दिस सिचुएशन दिस इक्वेशन विल गेट सिंप्लीफाइड टू x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x दैट इज माइनस 10x 15 प्लस 7 एंड दैट इज 22, फाइन बेटा। और हमें सम ऑफ ऑल द रूट्स भी पूछा गया है, मतलब हमें रूट्स के वैल्यूज ही चाहिए, तो वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac 100 माइनस 88 स्क्वेयर रूट ऑफ 12 व्हिच इज 2√3 अपॉन 2a, तो यहां हमारे पास जो रूट्स है वो ये है। अब ब्लाइंडली कोई भी चीज नहीं करना है, देखो इस कंडीशन के अंदर सिंप्लीफाई किया था आपने और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सोल्यूशन ये आए हैं, तो इनमें से वही सोल्यूशन वैलिड की तरह ट्रीट होंगे जो इस इंटरवल में लाइक करते हुए हो, तो चेक करते हैं। 5 प्लस रूट 3 तो 5 से बड़ा ही है, 5 माइनस रूट 3, रूट 3 इज 1.72 ले लें, सो 5 माइनस 1.72 अगर हम करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 3.28, राइट, सो 3.28 इस इंटरवल में नहीं आता है, इसका मतलब यहां से हमें एक ही सोल्यूशन मिला है, दिस इज दिस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, अगर x का वैल्यू 3 से 5 में है, इन दैट केस ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मॉड है दैट विल बी सिंप्लीफाइड एज दिस, सो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 एंड देन वी हैव माइनस 2x प्लस 7, ठीक। अब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 है तो पूरे इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये दोनों मिलके बनाए 6x विथ अ माइनस साइन एंड दिस 2 इज माइनस 8 सो प्लस 8 और बचा इसके रूट्स है 2 एंड 4, इनमें से सिर्फ यही वैल्यू है जो इस इंटरवल में लाइक करता हुआ है, इसका मतलब हमें दो ही सोल्यूशन मिला है और हमें क्वेश्चन ने पूछा है सम ऑफ द रूट्स, सो सम कितना आ गया 9 प्लस रूट 3, फाइन। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखो हमारे पास 3-3 स्क्वेयर रूट है, प्रोसेस क्या होता है, 2 बार स्क्वेयरिंग से हम उसे सॉल्व करते हैं, वो तो ठीक है वो हम कर सकते हैं इजीली, लेकिन
स्क्वायर रूट के अंदर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और जब आप एक बार दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, आप देख सकते हैं फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। तो उस तरह का डीलिंग हमें कभी भी नहीं कहा जाएगा करने के लिए। तो अब आप किस रेस्पेक्ट से सोचेंगे, इसका डिग्री रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब तीनों के पास कोई कॉमन फैक्टर निकल आए। तो पहले हम इन्हें फैक्टराइज करके ही देखते हैं। दिस इज एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, ये है एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 24, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x प्लस 6। तो फैक्टर से बच्चे हमने लिया 2x कॉमन, तो 2x माइनस 1 एंड माइनस 6, सो 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 6 इंटू 2x माइनस 1। और इसमें आपको दिख रहा है x माइनस 3 का प्रेजेंस है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं और अदर उस 2 को हम इसके साथ डाल देते हैं। सो x माइनस 3 एंड वी गेट 4x माइनस 2। ठीक है, अब तीनों के पास x माइनस 3 स्क्वेयर रूट के अंदर प्रेजेंस है। ठीक, तो बच्चा एक सोल्यूशन तो 3 है, क्योंकि जैसे हम x की जगह 3 लेंगे दैट विल कन्वर्ट एवरी टर्म इनटू 0, फाइन है। सो 3 इज अ सोल्यूशन। अब आगे सर्च करते हैं, यहाँ पे रह जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस 1 और यहाँ है स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 3 एंड ऑन द अदर साइड दिस। अब बच्चा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्क्वेयर रूट का प्रेजेंस है, तो 2 बार स्क्वेयरिंग तो हमें करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन स्क्वेयरिंग का एक रूल होता है जो हमने बेसिक मैथ्स में अच्छे से डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप देखेंगे बिफोर स्क्वेयरिंग इस तरफ क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें बिफोर स्क्वेयरिंग ये जो है इसका डोमेन क्या है, क्योंकि उन्हीं एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड एंड रियल, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 के लिए, एंड वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/4 मतलब, और इन तीनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो ये है। तो जो भी काम हम आगे करने वाले हैं कीपिंग दिस इंटरवल इन माइंड। ठीक, तो अब हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही साथ लिखते हैं, फाइन बेटा, एंड देन प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देते हैं। ठीक, एंड ऑन द अदर साइड दिस। अब हमारे पास एक स्क्वेयर रूट का प्रेजेंस रह गया है, तो हम उसे अकेला करेंगे एंड बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे एंड देन हम स्क्वेयरिंग प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, तो अब इन्हें कर देते हैं इधर शिफ्ट, सो वी गेट 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू, ये इधर गया 2x माइनस 4, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 था, है ना, सो 2 से डिवाइड कर दिया, डन। अब सेकेंड टाइम स्क्वेयरिंग का नीड आया, फिर से वही चीज, ये नॉन नेगेटिव है, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू एक नॉन नेगेटिव वैल्यू के साथ ही इक्वेटेड हो सकता है, राइट। तो अगर ये नॉन नेगेटिव नहीं है तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, जैसे ये इज इक्वल टू माइनस 4 गिवन है, स्क्वेयर रूट कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, राइट, तो स्ट्रेट वे हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बिफोर यू स्क्वेयर टेक केयर ऑफ द नीड दैट दिस ऑल्सो हैज टू बी नॉन नेगेटिव फॉर देयर टू बी अ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इन दोनों में इंटरसेक्शन तो यही है, तो आगे जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम सोल्यूशन सर्च करेंगे वो इसी इंटरवल का ही होना चाहिए। ठीक, अब हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, बच्चे प्योरली कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे काम बहुत सिंपल हो जाएगा। सो 6x इज इक्वल टू 7, x इज 7/6, लेकिन ये वैल्यू इस टाइप का नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दैट टू बी अ सोल्यूशन। और वैसे भी जो भी वैल्यू आपके पास आता है ना, अगर आप आदत डाल लेते हैं कि इक्वेशन में, क्योंकि स्क्वेयरिंग के प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है, एक्सट्रानियस चीजें भी आ जाती हैं, तो आप इसे यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर लें, अगर वैलिड है तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दें, ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप चेक कर ले खुद के लिए, मैंने तो रूल ऑफ स्क्वेयरिंग के बेस पे कंफर्म कर दिया कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो रिजेक्ट दैट। सो द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव एंडेड अप गेटिंग इज 3, सो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1। नेक्स्ट बेटा द इक्वेशन दिस, बच्चा ई पावर एक्स में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो टी इज इक्वल टू ई पावर एक्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये है टी पावर 4 प्लस 8 टी क्यूब प्लस 13 टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस 1। ठीक, अब ये फोर्थ डिग्री का है, जो इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट है ये 1 एंड 1 है, मतलब जो इवन पावर है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम है, ये ऑड पावर्स है तो दोनों के कोएफिशिएंट डिफर बाय ये साइन, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक, तो इस सिचुएशन में आप प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, आप टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पहला स्टेप वही रहेगा, सो 8 टी
13 माइनस 8 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर, और आप पेयर करेंगे इक्विडिस्टेंट टर्म्स को जो हम करते हैं, टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर प्लस 8 टी माइनस 1 बाई टी प्लस 13। अब आप इसे u ट्रीट करेंगे, दैट्स इट। तो जैसे हम इसे u कंसिडर करेंगे तो u स्क्वेयर विल बी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर माइनस 2, तो ये आ जाएगा आज u स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 8u प्लस 13, विच इज u स्क्वेयर प्लस 8u प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एंड u के वैल्यूज हमें डायरेक्टली ही मिल रहे हैं तो हम इन्हें एज इट इज लिख देते हैं। अब हमें ये देखना है कि x के कितने सोल्यूशन है हमारे पास। उसके लिए नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज इन u के कॉरेस्पॉन्डिंग t को सॉल्व करते हैं, t निकाल के फिर x को देखते हैं, फिर वहां से काउंट करते हैं। बट हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, है ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम करेंगे। t अगर e पावर x है तो t इज ग्रेटर देन 0, ठीक। और इन t के लिए जो हमने u कंसिडर किया है वो ये है, एंड अगर हम u डैश देखें तो वो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब आज भी इंक्रीज वैल्यूज ऑफ t u कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीजेस, फाइन। तो हम सबसे पहले इसका रेंज ले लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो u के किन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए u हमने इसे कंसिडर किया, तो हमें इसका रेंज चाहिए। और u डैश पॉजिटिव है, मतलब u इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसका रेंज लेते हैं t ग्रेटर देन 0 के इंटरवल में। सो u ऑफ 0 प्लस 0 प्लस, सो दिस इज अप्रोचिंग 0, 0 प्लस के लिए ये होगा इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी। एंड u ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि ये है ना, हमें इसी इंटरवल ऑफ t पे हैंडल करना है, सो दिस इज इन्फिनिटी माइनस 0, ठीक। इसका मतलब u इज द कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो ये दोनों u के लिए वैलिड सोल्यूशन तो है। अब हमें देखना है इन दो u के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितने x मिल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, u इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ u दे वुड एग्जिस्ट ओनली वन t। इंक्रीजिंग है तो वन वन है ना बेटा, और वन वन है तो हर आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही तो इनपुट हमें मिलेगा, राइट। तो हमें दोनों u के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक ही वैल्यू ऑफ t मिलेगा, एंड हर एक t के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ही तो x मिलेगा, क्योंकि x इज नथिंग बट ln t, राइट। अब दो सोल्यूशन हमें, अब उनका साइन का भी पता लगाना है, वो भी हम इसी तरह से एनालिसिस से ही करेंगे, वैल्यू लेके बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब देखें, u माइनस 3 एंड माइनस 5 है। अगर हमें ये पता लगाना है, जैसे हमारे पास ये एक ऑप्शन है, वो था नेगेटिव। अब आप बताएं, x का वैल्यू नेगेटिव होने के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब t इज लेस देन 1। अब हमें बस इतना सा देखना है, क्या यहाँ से जो भी हमें t मिलेंगे दोनों इस टाइप के हैं या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही ऐसे ऑप्शन है, ठीक। तो अब हमारा डिस्कशन t इक्वल टू 1 के ऊपर बेस्ट होगा। बताएं, ये बच्चा t एक्सिस है, ये u एक्सिस है, t इज 1, u इज 0, ठीक। तो 1,0 से ये ग्राफ पास कर रहा है और ये इंक्रीजिंग है, तो इसमें u का वैल्यू माइनस 3 एंड माइनस 5, u आज माइनस 3, u आज माइनस 5। क्या इन दोनों u के कॉरेस्पॉन्डिंग जो t हमें मिल रहे हैं बेटा, दोनों ही स्मॉलर देन 1 है? बिल्कुल है। तो अगर स्मॉलर देन 1 है t के वैल्यूज, दैट मीन जो x हमें मिलेंगे दे आर बोथ गोइंग टू बी नेगेटिव। सो हियर आंसर इज दिस, ठीक है। अगर ये प्रोसेस से हैंडल करना थोड़ा सा भी आपको मुश्किल लग रहा है तो जो यूजुअल प्रोसेस है आप उससे कर लें, u के वैल्यूज को लें, t के लिए सॉल्व कर लें, t को डालें, x के लिए सॉल्व कर लें, सब कुछ आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। लेकिन बच्चे अभी तो हमारे पास टाइम है, तो ये सब एनालिसिस पे अगर आप वर्क करते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन बहुत ईजिली हैंडल हो सकते हैं, प्लस कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज हमें पकड़ना ही है, ये नहीं कि ये चीज डिफिकल्ट लग रही है तो गेट अवे फ्रॉम इट, नहीं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई चीज में डिफिकल्टी आ रही है, चिपक जाओ उसके साथ टिल वी बिकम कंफर्टेबल, ठीक है। हमें इन सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक्स को फ्रेंड्स बनाते हुए चलना है, तभी हम फाइनली कंफर्टेबल हो पाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर व्हिच दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट इज दिस, देन बीटा इज व्हाट, मतलब हमें a को सॉल्व करना है, उसको इसके साथ इक्वेट करना है, बीटा को सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब कॉमन रूट के लिए कंडीशन बचा, कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं 1 माइनस 5a एंड 1 माइनस a माइनस 5। इस पेयर को हम क्रॉस करेंगे, सो माइनस a प्लस 5a, कॉमन रूट का कंडीशन डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी 25a माइनस दिस व्हिच इज प्लस a।
इज इक्वल टू इसे और इसे हम क्रॉस करेंगे. सो वन माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज सिक्स एंड इट इज 36. ठीक. एंड ये आ जाता है बच्चा 4a एंड दिस इज 26a इज इक्वल टू 36. ये हो रहा है कैंसिल. सो वी गेट वैल्यू ऑफ a टू b प्लस और माइनस, लेकिन a हमें पॉजिटिव ही लेना है. तो स्क्वेयर रूट ऑफ 9 बाई 26, सो 3 बाई रूट 26. ठीक. अब क्वेश्चन ने कहा है वो ये है 3 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बीटा. 3 को कर दिया कैंसिल. सो 26 इज 2 बीटा. बच्चा वैल्यू ऑफ बीटा इज 13. ठीक. नेक्स्ट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी ए रियल नंबर. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. देखो आप एक रूट कॉमन रूट है. ठीक है. देन हमें इन दोनों के वैल्यूज कैलकुलेट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है फॉर विच दिस टू आर द रूट्स. ठीक है. तो हमें अल्फा बीटा एंड गामा मतलब तीनों रूट्स में इंटरेस्ट है. तो एक तरीका ये है कि आप कॉमन रूट का कंडीशन यूज करके आप लैम्डा को सॉल्व कर लो. लैम्डा जैसे ही आ जाएगा इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे, उसके दोनों रूट्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे. बट बेटर चॉइस इज हमें लैम्डा में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और हमने ये पढ़ा है जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो कॉमन रूट है वो नए इक्वेशन में भी एज ए रूट एग्जिस्ट करता है. यस. सो आई गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट. उसके लिए यहाँ पे 3 लैम्डा का प्रेजेंस है, यहाँ 4 लैम्डा है और हम लैम्डा को एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले 4 टाइम्स कर देंगे और इसे 3 टाइम्स करते हुए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि लैम्डा गायब हो जाए और जो नया इक्वेशन फ्रेम हो उसके पास कॉमन रूट तो हो गई, राइट. तो हम अल्फा का वैल्यू वहां से सॉल्व कर पाएंगे. करके देखते हैं. इसे हम कर रहे हैं 4 टाइम्स. ठीक है. सो दैट कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स हम कर रहे हैं. सो दिस इज 12 लैम्डा. एंड बच्चा इसे हम कर रहे हैं 3 टाइम्स ताकि 12 लैम्डा दोनों के पास आ जाए. ठीक है. 3 टाइम्स कर रहे हैं. 105 3 टाइम्स सो 159x 12 लैम्डा. अब कर दे सब्ट्रैक्ट. ये हो गया कैंसिल एंड दिस माइनस दिस दैट इज माइनस 49x स्क्वायर. एंड बच्चा दिस माइनस दिस एंड दैट कम्स आउट टू बी प्लस 35x. तो यहां से हमें दो सॉल्यूशन मिल रहा है. लेकिन क्वेश्चन ने यह भी कह दिया है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, यहाँ पे आप देखें 3 लैम्डा बाई 14 है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए. इसका मतलब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अल्फा का वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता. एंड दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम रूट डिस्कस कर रहे हैं. इसका मतलब हम अल्फा के वैल्यू को डिस्कस करें जो कॉमन रूट है. ठीक है. और वो जीरो नहीं हो सकता. इसका मतलब इसके पास जो दूसरा रूट है वह है 35/49. 7 को कर देते हैं कैंसिल. तो ये है. तो बच्चा अल्फा का वैल्यू तो हमें मिल गया दैट इज 5/7. अब हमें बीटा एंड गामा चाहिए और इस इक्वेशन में हमें लैम्डा में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सम ऑफ रूट्स हमारे पास है. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 31/14. अल्फा है हमारे पास 5/7, यहाँ 14 है तो मैं उसे 10/14 लिख देती हूँ और हम कर देते हैं इसे सब्ट्रैक्ट 5/7 की जगह पर 10/14. सो दैट कम्स आउट टू बी 21/14. बच्चा 7 को कर देते हैं कैंसिल. सो 3/2. सो वैल्यू ऑफ बीटा इज 3/2. अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के पास. इसके पास दो रूट्स है अल्फा एंड गामा. अल्फा का वैल्यू है 5/7. गामा इज इक्वल टू 53/35. गामा इज 53/35. इसे 35 बनाने के लिए 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई. डन. बच्चा 53-25 दैट इज 28/35. 7 कर देते हैं कैंसिल. सो 4/7. हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों के वैल्यूज हैं. अब रूट्स देख लेते हैं. 3 अल्फा बाई बीटा वैल्यू क्या आ गया 5/7 एंड बीटा इज 3/2. सो इट इज 10/7 एंड सेकेंड रूट दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 5/7. और गामा का वैल्यू बेटा, बच्चा यहाँ ध्यान देना हमने 7 को कैंसिल किया है. ठीक है. 7 को कैंसिल कर रहे थे, 4/5 है, करेक्ट कर लेना. सो दिस इज 4/5. 4 हो गया कैंसिल. सो वी गेट 25/7. ठीक. अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन पे. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स. जो दो रूट्स हमारे पास आए हैं दे आर 10/7 + 25/7. सम क्या आ गया बेटा 35/7 विच इज 5. डायरेक्टली लिखते हैं. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 250/49. बस पूरे इक्वेशन को 49 से मल्टीप्लाई कर दे और आंसर कर दें. यहीं पे देख ले आप 49x² आएगा एंड प्लस 250 आएगा. तो यही वो इक्वेशन है. ठीक. नेक्स्ट
लेट अल्फा वन अल्फा टू सो वन अल्फा सेवन बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सेवन्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है. इसके रूट्स का हमें पता नहीं रियल है नॉन रियल है, बट यहाँ पे मॉड्यूलस का कंपेरिजन गिवन है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हमें सॉल्व करना है. तो क्लियर है इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट्स तो चाहिए. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. एक्स तो कॉमन आ गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन हमें मिल गया. सो जीरो इज अ सोल्यूशन. अब आगे बढ़ते हैं. एक्स पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स पावर फोर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन. अब बच्चा अगर मैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसिडर करूँ तो डिग्री रिड्यूस हो जाएगा. ठीक, सो t क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस थर्टीन टी माइनस फिफ्टीन. अब कोई चॉइस तो है नहीं, या तो फैक्टराइज कर पाएँ जो यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल नहीं है. अब हीट एंड ट्रायल से हम इसका एक सोल्यूशन को लोकेट करेंगे. t इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. t इज इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? माइनस वन के लिए ये हुआ माइनस वन, ये प्लस थ्री, ये थर्टीन, ये माइनस फिफ्टीन. सो यस इट इज जीरो. सो माइनस वन इज अ रूट ऑफ इट. उसके बाद टी प्लस वन विल बी ए फैक्टर, उसे हम डिवाइड करेंगे. क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, वहां से हमें बाकी के रूट्स मिलेंगे. यही प्रोसेस होता है. तो कंप्लीट करते हैं. एंड डिवीजन के लिए भी, पॉलिनोमियल डिवीजन के लिए भी मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया था, वो टाइम सेविंग होता है, उसी से करना है. ठीक है, अगर किसी को नहीं आता देन गो थ्रू द वीडियो, आई हैव शेयर द लिंक. ओके, लुक एट इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? टी प्लस वन से. सो इसके बस आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. अगर कोई कोएफिशिएंट मिसिंग है, जैसे इसमें तो सारे टर्म्स है ना, टी क्यूब टी स्क्वायर टी, अगर कोई मिसिंग होता तो उसकी जगह पे हम जीरो लिखे होते. राइट, ये आ गया कोएफिशिएंट्स. और टी प्लस वन से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो टी प्लस वन का जो जीरो है वो क्या है? माइनस वन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन और इस टर्म को एज इट इज नीचे उतार देंगे. अब माइनस वन इंटू वन यहाँ लिखेंगे, इन्हें ऐड करेंगे. माइनस वन इंटू टू करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे. माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन करेंगे और इन्हें ऐड करेंगे. यहाँ जीरो आ रहा है, इसकी पहचान है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आता है. रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो डिविजिबल है. ठीक है, अदरवाइज उस जगह पे हमें रिमाइंडर मिला होता और ये कोशियंट के कोएफिशिएंट्स है. तो अगर आप क्यूबिक को एक लीनियर से डिवाइड करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये उसके कोएफिशिएंट्स है. सो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो. और इसके रूट्स भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं. राइट, फैक्टराइज कर दिया तो बच्चे टी के वैल्यूज आए माइनस फाइव थ्री और यहाँ से हमें टी मिला था माइनस वन. डन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यूज क्या आएंगे जल्दी से बता दें. माइनस फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स के वैल्यूज हमें मिलेंगे दे आर प्लस माइनस रूट फाइव आयोटा. एंड देन थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस माइनस रूट थ्री एंड माइनस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस माइनस आयोटा. ये आ गया बच्चे सेवन वैल्यूज. अब हमें देखना है कि किसे अल्फा वन लेना है, किसे अल्फा टू. उसके लिए ये कंडीशन को हमें टेक केयर करना होगा. तो सभी के मॉड्यूलस वैल्यू आप देख लें और हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. तो इन सभी में सबसे बड़ा मॉड्यूलस वैल्यू इसका है, दोनों का ही सेम है. ठीक है, किसी भी एक को आप अल्फा वन कंसिडर कर ले और दूसरे को अल्फा टू आप कंसिडर कर सकते हैं. तो मैं अल्फा वन ले लेती हूँ आज रूट फाइव आयोटा, तो अल्फा टू हो जाएगा माइनस रूट फाइव आयोटा. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आएगा नेक्स्ट, सो रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री एज इट इज लिखते जाते हैं. एंड देन आयोटा एंड माइनस आयोटा एंड एट द एंड जीरो. मतलब ये अल्फा सेवन है, अल्फा सिक्स है, फाइव है, लाइक दिस. ठीक, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ये बताओ अल्फा वन इंटू अल्फा टू इज व्हाट? इन दोनों का प्रोडक्ट व्हिच इज माइनस फाइव आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर माइनस वन है तो ये बन जाता है फाइव. एंड देन माइनस में है अल्फा थ्री इंटू अल्फा फोर. इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि है माइनस थ्री, माइनस ऑफ माइनस प्लस थ्री. देन दिस, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि है माइनस आयोटा स्क्वायर और वो है प्लस वन. फाइन बेटा, नेक्स्ट. लेट एस बी द सोल्यूशन सेट ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स. ठीक है, हमें सबसे पहले तो अल्फा को सॉल्व करना होगा, तभी वहां पे हमें कोएफिशिएंट्स की क्लैरिटी आएगी. ठीक, तो अल्फा को सॉल्व करते हैं बच्चा. ये हमारे पास इक्वेशन, सो दिस इज लॉग बेस टू नाइन पावर टू अल्फा माइनस फोर प्लस थर्टीन एंड माइनस लॉग बेस टू ही है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन डायरेक्टली लिखते हैं. राइट, सो एम बाई एन दैट इज नाइन पावर टू अल्फा माइनस फोर प्लस थर्टीन अपॉन फाइव बाई टू इंटू थ्री पावर टू अल्फा माइनस फोर प्लस वन. डन, एंड दिस इज इक्वल टू टू. अब लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो नाइन पावर टू अल्फा माइनस फोर प्लस थर्टीन अपॉन फाइव बाई टू इंटू थ्री पावर टू अल्फा माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू स्क्वेयर.
ठीक है बेटा, इसे कर देते हैं क्रॉस. सो वी गेट 9 पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस, एक 2 हो जाएगा कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विद 10 टाइम्स ऑफ 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4. ठीक, एंड दिस इज 4. अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है अगर मैं इसे टी कंसिडर करूं? यस. सो दिस इक्वेशन इज टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0. टी के वैल्यूज है 1 एंड 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक, हमें टी के वैल्यूज मिल चुके हैं, इसका मतलब 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4 के वैल्यूज है हमारे पास, दे आर 1 एंड 9. 1 को अगर हम 3 के पावर में लिखें तो ये लिखेंगे, और 9 को ये लिखेंगे, मतलब 2 अल्फा माइनस 4 के जो वैल्यूज हमें मिले हैं दे आर 0 एंड 2. तो 2 अल्फा माइनस 4 अगर 0 है तो अल्फा का वैल्यू 2 है, और अगर ये 2 है बच्चा तो 2 अल्फा इज 6, सो अल्फा का वैल्यू आ रहा है 3. तो अल्फा के हमें दो ही सॉल्यूशंस मिल पाए हैं, दे आर 2 एंड 3. ठीक है, अब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएं, यहाँ हमें चाहिए अल्फा का समेशन का स्क्वायर. तो इन दोनों वैल्यू को हम सम अप करते हैं, 5 है उसका स्क्वायर है 25, 25 इंटू 2 इज 50. ठीक, यहाँ हमें अल्फा प्लस 1 को स्क्वायर करना है, बीटा कोई कॉन्स्टेंट ही है इसे हम बाहर मूव कर देते हैं. सो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर करके उसका समेशन हमें लेना है, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो 9 प्लस 16 एंड दैट इज 25 विथ बीटा. और हमें क्वेश्चन ने कहा कि इसके पास रियल रूट्स हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज 100 एंड यहाँ पे है 2500 is 100 times of beta. 100 हो गया cancel, so beta is less than or equal to 25. अब question ने हमसे पूछा है maximum possible value of beta and that is 25. Clear? Next beta. Let a be a real number, alpha beta be the roots of this equation. Satisfying this condition, then the product of all possible values of a. Direct question. आप देखें alpha plus beta जो है वो है माइनस 60 पावर 1 बाई 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज ए फॉर अस. अब इस पे आते हैं, वी नो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. डन. अब इनमें जो जो भी इन्वॉल्व है सभी का वैल्यूज है हमारे पास. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ये, अगर हम उसे स्क्वेयर करते हैं दैट कम्स आउट टू बी स्क्वेयर रूट ऑफ 60. तो ये है स्क्वेयर रूट ऑफ 60 माइनस 2 ए का स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज ए सो ए स्क्वेयर एंड दैट इज माइनस 30. इस परफेक्ट स्क्वेयर को हम एक्सपैंड कर देते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4 ए रूट 60 माइनस 2 ए स्क्वेयर एंड दैट इज माइनस 30 एंड 2 ए स्क्वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा. 4 ए रूट 60 और ये कंबाइन होके 90. 2 से कर देते हैं डिवाइड ताकि कोएफिशिएंट्स और छोटे हो जाएं एंड दिस इज व्हाट वी गेट. और हमें यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रियल ए चाहिए. ठीक है, तो आप चेक कर लें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है. बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी पॉजिटिव है, मतलब इसके पास रियल रूट्स है और हमें उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो सी बाई ए स्ट्रेट अवे आंसर इज 45. रूट्स निकाल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, रियल है तो बस चेक कर लें, या तो इसके पास दोनों ही रूट्स रियल होंगे या दोनों ही नॉन रियल होंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट बेटा, लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है. वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर. ओके, देन द वैल्यू ऑफ दिस. अब देखो ये सारा इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे नाइन्थ क्लास का मैथ्स याद आ जाता है. हमने कुछ ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो हमारे क्वेश्चन में b माइनस ए का इन्वॉल्वमेंट है, लेट मी टेक इट टू बी x. c माइनस बी का इन्वॉल्वमेंट है, मैं इसे y कंसिडर कर लेती हूँ. एंड a माइनस सी का इन्वॉल्वमेंट है, मैं इसे z कंसिडर कर लेती हूँ. पूरे क्वेश्चन में यही तीन फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? क्या x प्लस y प्लस z हमारे लिए जीरो है? चेक करें, a कैंसिल हुआ, b कैंसिल हुआ, c कैंसिल हुआ. इसका मतलब अगर हम इन्हें x y z कंसिडर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है z स्क्वायर अपॉन x y प्लस, हमने b माइनस a को x कंसिडर किया है,
दिस इज वाई जेड एंड वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स जेड, यही है बेटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं एक्स वाई जेड, ऑल व्हाट वी गेट इज जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड वी ऑलरेडी नो दिस इज थ्री टाइम्स ऑफ दिस, तो ये कैंसिल होते हुए हमें आंसर मिल गया आज 3, राइट। लेकिन जिन्हें आदत होती है या जिनके पास इस तरह का एक्सपोजर नहीं है, वो क्या करेंगे, पहले इसके रूट को सॉल्व करेंगे और इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आप देख सकते हैं 0 है, इसका मतलब 1 इसका एक रूट है, इसके पास 1 एज ए रूट है, और दूसरा रूट अगर हमें चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसको सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 करेंगे, वहां से एबीसी को डिस्कस करेंगे, फिर यहां पे पुट करेंगे एंड फिर कैलकुलेट करेंगे। लुक एट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वन इज गोइंग टू वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लेट लैम्डा बी अ रियल नंबर एंड लेट द इक्वेशन ई बी दिस, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एक्स प्लस लैम्डा वेयर एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई, मतलब हमें एस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां आ जाएं, क्या हम इसे मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मॉड एक्स को अगर हम टी कंसिडर कर लें या आप एज इट इज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये है, और हम इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहते हैं क्योंकि एक्स इज एन इंटीजर, सो मॉड एक्स विल कॉरेस्पॉन्डिंगली बी एन इंटीजर, ठीक है, अंडरस्टूड है। T इज मॉड x, सो T जो कुछ भी आएगा एक होल नंबर ही आएगा, इंटीजर है बट नॉट नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स में एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किया था, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b एंड c आर इंटीजर्स, देन अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके पास इंटीग्रल रूट्स ही ऑकर करेंगे, इसके पास नॉन इंटीग्रल रूट्स नहीं आ सकते, फाइन। एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये एक इंटीजर है, और अगर टी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर एंड इस तरफ 0 है, तो डेफिनेटली ये भी एक इंटीजर ही होगा, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे इंटीग्रल रूट्स चाहिए तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट हैज टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स इट, राइट। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 4 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, फाइन। अब अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो इंटीजर भी है, आप सोच के देखें, 1 माइनस समथिंग यू आर डूइंग एंड वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो जो कुछ भी आएगा ये 1 या 1 से स्मॉलर ही आएगा, राइट। एंड परफेक्ट स्क्वायर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई नॉन नेगेटिव नंबर ही होगा, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर इट टू बी परफेक्ट स्क्वायर इज या तो ये 0 हो जाए या तो ये 1 हो जाए, राइट। 1 से बड़ा तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता बच्चे, 1 माइनस ए नॉन नेगेटिव वैल्यू दैट यू आर डूइंग, ठीक है ना। तो लैम्डा माइनस 3 मॉड, क्योंकि ये पूरा या तो 0 हो, इस वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, या तो ये 1 हो, अगर ये 0 है तो ये 1 है, इसका मतलब लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट वी गेट आर 4 एंड 2, राइट। और अगर ये इक्वल टू 1 है, 1 हो जाएगा कैंसिल, सो लैम्डा वैल्यू इज 3, ठीक है। अब बच्चा दोनों केसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें x प्लस लैम्डा के वैल्यू को डिस्कस करना है ना, पर्टिकुलर लैम्डा के लिए जो रूट आया है, तो इन लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स क्या आएंगे, तो उसके लिए इस इक्वेशन पे वापस चलते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू 4 लें या 2 लें, ये क्या बन जाएगा 1, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। टी है मॉड एक्स, इसका मतलब एक्स के जो सोल्यूशन हमें यहाँ मिल रहे हैं वो ये है, फाइन। सेकेंड केस के पास आ जाएं, अगर लैम्डा का वैल्यू 3 है, ये हो गया 0, इसके पास जो सोल्यूशन है दे आर 0 एंड 2, राइट। अगर टी का वैल्यू 0 एंड 2 है तो मॉड एक्स 0 या 2, सो एक्स के वैल्यूज है 0 प्लस माइनस 2, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वैल्यूज है 0 प्लस और माइनस 2, राइट। हमें चाहिए लैम्डा प्लस एक्स का वैल्यू, तो बता दें, एंड दैट टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट केस में लैम्डा प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सा है, ग्रेटेस्ट लैम्डा लेते हैं विद ग्रेटेस्ट एक्स, ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू 5। सेकंड केस के पास आए, ग्रेटेस्ट विद ग्रेटेस्ट 5, मतलब दोनों ही केस में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो 5 ही है, और हमें ओवरऑल हाईएस्ट चाहिए, सो आंसर हियर इज 5, ठीक। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो डायरेक्ट है, इसे हम टी कंसिडर करेंगे, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 टी प्लस 5, बच्चा 3 टी स्क्वायर है ये, माइनस 2 टी माइनस 6 प्लस 5 दैट इज माइनस 1, डन। इसके सॉल्यूशंस आप इजीली लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू माइनस वी, फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो प्लस साइन लेंगे तो 1 है,
माइनस साइन अगर हम लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी माइनस टू बाई सिक्स दैट इज माइनस वन बाई थ्री. ठीक है, ये t के वैल्यूज है, मतलब x प्लस वन बाई एक्स के वैल्यूज है. और हमें ये तो क्लियर है कि जो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू होता है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है इन दैट केस इसका रेंज आता है टू टू इन्फिनिटी, और अगर x नेगेटिव है तो इसका रेंज आता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू. राइट, तो इसका कंप्लीट रेंज ये होता है, और इनमें से कोई भी वैल्यू इन इंटरवल में लाई करता ही नहीं है. इसका मतलब इन t के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई भी रियल x मिल ही नहीं पाएगा. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हियर, क्लियर बेटा? सो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस थे. और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख लें, अगर किसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल आ रहा है तो उसको रिपीट करते जाए और हर एस्पेक्ट से हर बार सोचते, ये नहीं कि मेमोराइज करके हम चीजों को कर रहे हैं, नहीं, समझ के करें, बिल्कुल उसमें घुस जाए पूरी तरह से, जहां कहीं भी दिक्कत है चिपक जाए बिल्कुल, ठीक है. एंड एक स्टेज के बाद यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ इट. लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम छोड़ने लग जाते हैं जहां हमें मुश्किल आती है, फिर एंड में जाके वी फेस दैट डिफिकल्टी. ठीक है, तो वो तो होने नहीं देना है हमें, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से चीजों को करते जाए, अच्छा सा ग्रिप बनाते हुए. ठीक है, सो आई क्लोजिंग इट हियर.